वेलकम बैक टू चॉट्स कॉस्ट सर्चिंग वॉइस एंड टीच गाइस। इन दिस वीडियो में आपको बताने वाले कि यहाँ पे गाइस फाइनली सैमसंग का भी लैपटॉप लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे रेडमी के लैपटॉप बहुत सारी कंपनियां ने गाइस अपने अपने लैपटॉप एंड अपनी अपनी टैबलेट बहुत सारे गैजेट लॉन्च किए, लेकिन यहाँ पे सैमसंग का फाइनली बचा हुआ था और सैमसंग भी अपना लैपटॉप लॉन्च कर रहा है। अभी तो ये इंडिया में नहीं लॉन्च कर रहा है, अभी गाइस ये फॉरेनर कंट्री यानी यूएसए एंड जो भी कंट्रियां हैं वहां पे लॉन्च हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये इंडिया में भी आ जाएगा। और सैमसंग गाइस ये जो लैपटॉप है काफी कमाल के फीचर्स एंड अच्छे खासे प्राइसिंग के साथ आता है। ये गाइस बिल्कुल एक एंड्रॉयड जैसे आपको एंड्रॉयड में सारे सिस्टम को यूज करते हैं उसी प्रकार से इसके भी फीचर्स या फिर जो भी चीज आपको यूज करेंगे वो सारे सिस्टम आपको एंड्रॉयड जैसे हैं। आप इसे एक एंड्रॉयड लैपटॉप भी बोल सकते हैं। सो इस वीडियो में आपको ये जो सैमसंग का न्यू लैपटॉप लॉन्च हो रहा है इसी के फीचर्स प्राइस एंड डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चलेगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस ये जो सैमसंग का न्यू लैपटॉप लॉन्च हो रहा है इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी बुक एस। और ये जो सैमसंग गैलेक्सी बुक एस है ये गाइस अभी यूएसए में लॉन्च हुआ है और इसमें गाइस आपको काफी कमाल के फीचर्स आते हैं। ये एक एंड्रॉयड लैपटॉप है जिसमें आपको एंड्रॉयड से रिलेटेड सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप एंड्रॉयड में नेट चलाते हैं, आप गाइस एंड्रॉयड में सब कुछ यूज करते हैं उसी प्रकार से सारे सिस्टम मिलते हैं। एंड साथ ही साथ गाइस आपको इसमें 4K वाला ऑप्शन मिलता है, यानी कि गाइस आप इसमें कोई भी वीडियो को 4K में प्ले कर सकते हैं इसके स्टोरेज के एंड इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, जिसमें आपको अच्छी खासी बैटरी कैपेसिटी भी मिलती है और आप इसमें सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको काफी कमाल का परफॉर्मेंस देता है क्योंकि में आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर मिलता है। तो चलिए गाइस आपको इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं। सो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, गाइस इसमें आपको 13.3 इंचेस का फुल एचडी टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, यानी कि इसके डिस्प्ले को आप टच स्क्रीन से भी यूज कर सकते हैं, जो कि गाइस बहुत ही कमाल की बात है। और एंड्रॉइड में जैसे आप टच से सब कुछ यूज करते हैं वैसे ही इसके डिस्प्ले को भी आप टच स्क्रीन की मदद से टच से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये टच स्क्रीन डिस्प्ले जिसके बाद आप बहुत सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं और टच स्क्रीन से इसमें सारे कंट्रोलिंग कर सकते हैं। और गाइस अगर हम बात करते हैं इसमें प्रोसेसर की, तो गाइस आपको इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8cx का प्रोसेसर मिलता है, जो कि क्वालकॉम की तरफ से लेटेस्ट लॉन्चेस है और ये इसमें क्वालकॉम का प्रोसेसर यूज किया गया है, तो गाइस आपको परफॉर्मेंस काफी बेस्ट देगा और आप इसे इजीली तरीके से गेमिंग वीडियो एडिटिंग अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपके लिए बेस्ट लैपटॉप होगा ये सैमसंग गैलेक्सी का बुक एस, और आप इजीली तरीके से यूज कर सकते हैं जिसमें आपको काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिलेगी। और गाइस अगर बात करते हैं इसमें स्टोरेज की, तो यहां पे गाइस आपको 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज, जहां से 520 मतलब 512GB तक आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है और इसमें गाइस आप 1TB तक की माइक्रो एसडी या फिर अपना मेमोरी कार्ड को इसमें यूज कर सकते हैं और इसके बाद अपने डाटा फाइल जो भी चीज है जितने भी डॉक्यूमेंट है आप उसमें सेव कर सकते हैं। और गाइस इसमें आपको अल्ट्रा फास्ट गीगाबिट LTE का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि नेटवर्किंग के लिए होता है और इसमें आपको जो इंटरनेट कनेक्टिविटी वो आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट मिलती है, जिसके बाद गाइस आप इसमें कोई भी सिम को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे कि नैनो सिम, जैसे कि आप मोबाइल में नैनो सिम यूज करते हैं तो नैनो सिम आप इसमें लगा सकते हैं जिसमें आपको अल्ट्रा फास्ट नेटवर्किंग मिलता है और आप इजीली तरीके से गाइस आप नेटवर्किंग यूज कर सकते हैं और आपका नेट भी काफ़ी फास्ट मिलेगा और आप काफ़ी फास्ट तरीके से इसमें नेट को चला सकते हैं। और इसमें आपको ऑलवेज हाई स्पीड एक्सेस का सिस्टम मिलता है, चाहे आप इसे परफॉर्मेंस में यूज करें इसकी कनेक्टिविटी के लिए हमेशा आपको इसमें हाई स्पीड मिलता है। और इसमें गाइस आपको ऑडियो के लिए डॉल्बी ऑडियो फीचर्स मिलता है, जो कि जैसे कि आप जानते हैं कि आप जगह जगह पर चेंज कर सकते हैं, तो डॉल्बी ऑडियो की मदद से आप जिस भी चीज को यूज करते हैं उस हिसाब से इसको ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। और गाइस अगर हम बात करते हैं इसमें बैटरी कैपेसिटी की, तो आपको इसमें 23 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, 23 घंटे आप कंटिन्यूसली यूज करेंगे, यानी कि एक बार चार्ज कर लिए तो 23 घंटे तक यूज कर सकते हैं, एक दिन पूरा आप इसे कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं और इसके जो भी फीचर्स है उसको यूज कर सकते हैं। तो बैटरी कैपेसिटी काफी अच्छा खासा दिख गई इस सैमसंग गैलेक्सी के बुक एस में। और गाइस ये सुपर थिन एंड सुपर लाइट लैपटॉप है, जिसमें आपको ना ही इसका ज्यादा लाइट वेट है और ना ही गाइस ये ज्यादा थिन है, आपको काफी ज्यादा लाइट वेट एंड काफी थिन लैपटॉप मिलता है। और इसमें गाइस आपको फिंगरप्रिंट भी मिलता है, जो कि इसके पावर बटन में रहता है, जो कि पावर बटन ऑन ऑफ करने वाला वहीं पे फिंगरप्रिंट मिलता है और उससे इजीली तरीके से आप साइन इन कर सकते हैं लैपटॉप को जब ओपन करेंगे और काफी सिक्योर रहेगा। और गाइस इसमें आपको चार्जिंग काफी फास्ट मिलती है, 23 घंटे की बैटरी है तो बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन चार्जिंग आपको काफी फास्ट मिलती है, जहां पे गाइस आपको यूएसबी टाइप सी का पोर्ट मिलता है जिसकी मदद से आप बड़ी फास्ट तरीके से अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। और गाइस ये कुछ है इसके फीचर्स। अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, जो कि यूएस में आप वहां से परचेज करेंगे तो 999.99
$99 यानी $999.99 इसकी प्राइसिंग है, लगभग $1000 के करीब है। लेकिन गाइस इतने अच्छे खासे फीचर्स है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है और क्वालकॉम का प्रोसेसर यूज किया गया तो परफॉर्मेंस काफी बेटर आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें कलर वेरिएंट की, सो गाइस यहाँ पे आपको अर्थी गोल्ड एंड मर्करी ग्रे दो कलर वेरिएंट में ये लैपटॉप आता है, जो कि डिजाइनिंग में भी काफी बेस्ट है और आप इजीली तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकते हैं। सो यही कुछ है इसके फीचर्स, प्राइसिंग एंड डिटेल्स। आई होप आपको इसकी सारी डिटेल्स अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते अगली वीडियो में। डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।